वेलकम बैक एवरीवन। ये वीडियो 4-5 दिनों बाद बना रहा हूँ, लेकिन ये कि थोड़ी बिजी था इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ दिखा रही, देखें माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए। और सेकेंडली, ये कबूतर आपको कम लग रहे होंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ मैंने दोस्त को दे दिए, फिर लास्ट वीक एक पेयर मैंने और दोस्त को दे दिए, और एक फीमेल जो इसके साथ थी वो, और एक जो दूसरा नर था उन्हें मैंने अभी सेपरेट बंद कर दिया। ये देखें, ये बॉक्स मैंने खुद बनाया है अभी, तो ये सिर्फ इन दोनों को पेयर करने के लिए। मेरे पास जगह काफ़ी है, लेकिन ब्रीडिंग करने के लिए अलग जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये देखे वो दूसरी जगह। अंदर अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है आपको अगर देखो तो। ये मैंने खुद अभी परसों बनाया है, तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। अच्छा, और ये पेयर इन्होंने एक दिया था, लेकिन इस फीमेल का अभी तक वो वीक एक शेल वाला मसला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जिस वजह से वो अंडे दोनों ज़ाया हो गए। और ये मेल के नीचे एक अंडा पड़ा हुआ है, ये देखें ये। और बाकी ये नया कबूतर जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ये भी माशाल्लाह से मैंने सेट कर लिए और उड़ता भी है बाहर। में इससे सारा दिन बाहर घूमते रहते हैं, अभी मैंने इन्हें बंद किए, बाहर काफ़ी गर्मी हो रही है इस वजह से। और ये पेयर है, ये देखें ये और वो, तो ये भी फीमेल अभी दोबारा नेस्ट बना के बैठी हुई है, ये देखें, ये चिक देखें माशाल्लाह से, एक बिल्कुल ब्लैक है और एक रेड है, और पीछे से टेल इसकी ब्लैक हो रही है, देखें। तो ये भी जैसे जैसे पड़े होते जाएंगे हम इन्हें भी ट्रेन करेंगे। और वो फीमेल देखें, वो वाली, वो उसमें जो मेल है उसके साथ पेयर होने की कोशिश कर रही थी, और इसके अंदर जो फीमेल मैंने बंद की हुई है वो उस ब्लैक मेल के साथ ऑलरेडी पेयर हो चुकी थी, तो मैंने, और उन्होंने तो यहाँ पर घोंसला भी बनाया हुआ था, ये देखें इकट्ठा करके घोंसला बनाया हुआ था, तो मैंने उन्हें सेपरेट करके यहाँ बंद कर दिए, ये बॉक्स जब बना के इसमें बंद कर दिए ताकि पेयर हो जाए। और बाकी ने अभी मैंने अलग अलग कर दिया, उस मेल को अलग कर दिया, उस ऊपर जो फीमेल बैठी हुई उसे अलग कर दिया, ताकि वो आपस में अगर पेयर होना चाहें तो ठीक है, लेकिन वैसे उनसे मुझे इतने ख़ास कोई परवाह नहीं है। मुझे वैसे ये पेयर, इन्हें पेयर करना था, उसके लिए मैंने ये बॉक्स बनाया है। और ये देखें एल्बर्ट को, देखें माशाल्लाह से ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, फुल अभी वाइट होने वाला है। ये इसके पर थोड़ा सा ज़ख्मी है, ये जिस रूम में होता है, ये एक दिन रात को नीचे बैठा हुआ था तो शायद इस पे चूहे ने अटैक किया, तो उस वजह से इसका ये पर सारा ज़ख्मी था, लेकिन अब तो बहुत हद तक बेहतर हो चुका है, ज़ख्म भी सूख गए और नए पर निकलने शुरू हो गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। तो आज की वीडियो बस मैंने सिर्फ आपको अपडेट देने के लिए और ये ब्रीडिंग बॉक्स दिखाने के लिए बनाई थी। और ये बहुत सिंपल, मेरे पास एक्स्ट्रा वुड पड़ी हुई थी, मैंने उससे बना दिया, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और काम भी ठीक कर रहा है। तो अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।